हरि ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज आपके समक्ष ज्योतिष फलित शास्त्र के जो बृहद जातकम का दसवां पाठ है, जैसा कि आप सोपान की परंपरा से सभी छात्रगण जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ये जो दसवां पाठ है जन्म ज्ञान विधि एवं जातक के स्वरूप का ज्ञान, ये आज का मुख्य प्रतिपाद्य विषय हो गया। इसमें जन्म के ज्ञान की प्रविधि क्या है, साथ ही किस प्रकार से पारजात जातक का स्वरूप, पितृ परोक्ष जन्मादि विषयों का जो ज्ञान है वो भी किया जाएगा। अब आप देखें, इस पाठ में बहुत प्रकार के ऐसे योग मिलेंगे जिनकी वैज्ञानिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लग सकते हैं। मूढ़ गर्भ है, सर्प वेष्टित है, नाल वेष्टित है, इस प्रकार के बहुत सारे योग हैं जो इस पाठ पठनीय पाठ के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें देखें, जब बच्चे का जन्म होता है, इसके लिए एक उसी को आधार बनाकर के दैवज्ञ, जिस समय बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसी समय को आधार बनाकर के कुंडली ग्रहीय स्थितियों को जान करके हम जन्मांक चक्र कुंडली आदि का निर्माण करते हैं और उससे आने वाले उसके भविष्य में शुभाशुभ फलों का ज्ञान करते हैं। इसके विषय में एक मत प्राप्त होता है कि कब वह काल माना जाए, तो आचार्य कहते हैं, कुछ आचार्यों का मत ऐसा है कि उत्तमम जल प्रसव, मध्यमम चांग दर्शनम, अधमम भूवि पाहतः स्यात् ततो स्थूलमिति विदुः। अर्थात कौन सा काल जातक का सही माना जाए, इसके लिए कई प्रकार की स्थितियों को, कुछ लोग कहते हैं कि माँ के गर्भ से बाहर आना, कुछ लोग कहते हैं धरती पे, कुछ लोग की अंग का दर्शन, ये तमाम इस प्रकार की विधियां हैं। लेकिन संतान के उत्पत्ति होने के साथ ही, धरती पे आने के साथ ही, उसका अपना भाग्य, अपना कर्म, अपने ग्रही स्थिति उन पे सतत कार्य करने लगती है। अतः उसी को जन्म काल को आधार बना करके हमारे ज्योतिष में फलादेश की एक परंपरा है और उसके अंतर्गत इसमें जो गुण दोष आएंगे वो सारे आपको बताए जाएंगे। मित्रों, इस पाठ के उद्देश्य की विषय में परिचर्चा कर लें, क्या क्या है। तो इस पाठ के माध्यम से आप पिता के परोक्ष में जन्म स्थिति का ज्ञान कर सकेंगे, साथ ही जो जातक पैदा होगा वो सर्प वेष्टित होगा, कोष वेष्टित होगा, नाल वेष्टित होगा अथवा परजात होगा, अर्थात दूसरे से उत्पन्न होगा, उसका पिता दूसरा होगा, माता दूसरी होगी, तमाम स्थितियों का ज्ञान आप कर सकते। साथ और उससे महत्वपूर्ण, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पुत्र स्वरूपवान हो, गौर वर्ण का हो, तो इसमें वर्ण का निर्धारण भी और उसके साथ और जो महत्वपूर्ण अंग है जो सौंदर्य को बढ़ाते हैं, शरीर के महत्वपूर्ण स्थानों पर तिल है, मसा है, व्रण है, घाव का चिन्हादि है, इन सब का ज्ञान इस पाठ में आप आसानी से कर सकते हैं। आए अब इस पाठ की मौलिकता की तरफ हम चलते हैं। तो ग्रह जातक के ग्रह स्थिति के अनुसार भी यह ज्ञान किया जा सकता है कि पिता के अभाव में कि भाव में, अर्थात पिता जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय विद्यमान था या नहीं था। इसके लिए आचार्य बाराह मिहिर ने पितृ परोक्ष जन्म ज्ञान विधि के लिए ग्रह योगों को बताया है। देखें, आचार्य कहते हैं, पितुर जातः परोक्षस्य लग्न मिंदावपश्यति विधेस्थस्य चर्भे मध्याद भ्रष्टे दिवाकरे उदयस्थेपि च वामंदे कूजे वास्तम समागते स्थिते वांतः छपानाथे ससांक सुतसुक्रयोः। यहाँ पे व्याख्या आप देखें, आचार्य कहते हैं क्या कि वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र में ग्रह योगों द्वारा ही सारे शुभाशुभ फलों को बताया गया है। यहाँ क्या है, यदि जन्म लग्न में शनि हो तथा चंद्रमा लग्न को न देखे तो पित्रा के परोक्ष में जन्म ज्ञान जानना चाहिए, और यदि जन्म लग्न में मंगल सप्तम भाव में हो, चंद्रमा लग्न को न देखे, तो भी पिता की अनुपस्थिति में शिशु का जन्म आप कह सकते हैं। ऐसे ही यदि शुक्र बुध और चंद्रमा हो तथा मध्य लग्न को न देखें तो भी पिता के परोक्ष में जन्म का ज्ञान। इस प्रकार के चार प्रकार के योगों को आचार्य यहाँ पे दर्शाते हैं।
आप देखें उदाहरण के माध्यम से, पिता के परोक्ष अर्थात पिता, उस पिता उस समय विद्यमान नहीं था बच्चे का जन्म हुआ। देखें यह ग्रह जोग दिखाया गया है, मीन लग्न की कुंडली है, अष्टमस्त चंद्रमा है, सॉरी, और एक स्थिति यहां भी बन सकती है, चंद्रमा के द्वितीय तृतीय की स्थिति से भी बन सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति, ग्रह स्थिति के द्वारा देखें आप कई प्रकार से, कई उदाहरणों को मानक लेकर के आपके समाज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों प्रकार के जो जोग बन रहे थे पिता के अभाव की स्थिति का द्योतक, उन चारों ग्रह जोगों को यहां आपके समक्ष दिखाया गया। अन्य भी पितृपरोक्ष जन्म ज्ञान होते हैं जिसकी स्थिति दिखाई गई है, मेष लग्न की कुंडली है, शनि लग्न में है, चंद्रमा की स्थिति कहाँ कहाँ होगी तो हो जाएगा, ये नवमांश के सहित आपके समक्ष दिखाया जा रहा है। इन कुंडलियों के आधार पे आप यह आसानी से जान सकते हैं कि इस बच्चे का जन्म पितृपरोक्ष में हुआ है या पितृ के उपस्थिति में हुआ है, और इससे लग्न की पुष्टता होती है कि जो हमारा लग्न है वो सही है, इसकी जांच भी हो जाती है। यही कारण है कि यहाँ विविध प्रकार के मतों को आश्रय लेकर के इसका विचार पहले भी किया जाता था और आज भी किया जाता है। मित्रों, सर्पवेष्टित जन्म ज्ञान की प्रक्रिया कैसे होता है, कौन सा ग्रह जोग है जिसमें जातक का स्वरूप जो है सर्पवेष्टित होता है, आचार्य बाराहमिहिर यहाँ पे कहते हैं, देखें आप कि ससांके पाप लग्ने वा वृश्च के त्रिभागे शुभ ही स्वाय स्थित जाता सर्प तदवेष्टितोपी वा। एक जोग बता दिए, क्या जोग बताए आचार्य ने यहाँ पे कहा कि इसकी जो ग्रही स्थिति है, व्याख्या में कहते हैं क्या कि माता के गर्भ में शिशु विविध प्रकार के नाल से युक्त होता है, वस्तु स्थिति है, और प्रसव के पश्चात उसके नाल को काट करके माँ से अलग किया जाता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। अब सर्पवेष्टित अर्थात नाल वेष्टित होने का कैसी स्थिति है, कौन सा ग्रह जोग है, इसको आचार्य बता रहे हैं। तो आप देखें यहाँ ग्रह जोग एक दिखाया गया है खौ खौ करके कि मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा और शुक्र द्वितीय भाव में है, गुरु बुध द्वादश भाव में है, एक जोग है। दूसरा जोग भी नवमांश के माध्यम से दिखाया गया है कि बुध गुरु द्वितीय स्थान में है, सिंह लग्न की कुंडली है, चंद्रमा लग्न में है, शुक्र द्वादश में है, ऐसी स्थिति वहां भी बन सकती है। सर्पवेष्टित जन्मजोग के कहने के बाद कोष्ठवेष्टित भी जन्मजोग के विषय में बाराहमिहिर चर्चा करते हैं। आचार्य कहते हैं कि चतुष्पाद गति भानव शेषैर बीर्ज समन्वित ही दी तनुस्थैश्च जमलौ भवतः कोषवेष्टितौ। द्विवचनांत प्रयोग है यहाँ, कोष जिसका यहाँ कोषवेष्टित जातक के जन्म का ज्ञान बताया गया है, अर्थात कैसी स्थिति में कोष से वेष्टित होता है कौन जातक। देखें आप यहाँ पे एक चक्र के माध्यम से आपको समझाया गया है, कर्क लग्न की कुंडली है, दशम स्थान में सूर्य विद्यमान है, बुध द्वादश में है, शुक्र नवम में है और चंद्रमा तृतीय स्थान में है। ऐसे आधान कुंडली किसी की या जन्म कुंडली हो तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वह जातक वस्तुतः कोष वेष्टित है। इस प्रकार की नाल वेष्टित जन्म का भी ज्ञान बताया गया है, कोष वेष्टित जन्म के पश्चात नाल वेष्टित जन्म का वर्णन करते हैं आचार्य। कहते हैं क्या, छागे सिंहे वृषे लग्ने तत्से सौर्य थवाकुजे रास्यंश सदृशे गात्रे जायते नालवेष्टितः। अर्थात नालवेष्टित कैसे होगा तो उसके लिए भी इस चक्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बाहु और उदर में नालवेष्टित जन्म होगा। आचार्य यहां कह रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली है, जैसा कि आप देखें लग्न में शनि विद्यमान है, दूसरा लग्न में मंगल विद्यमान है, ऐसी स्थिति में ये सारे जोग बन सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण पक्ष था ये, दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है ये भी कुंडली के लग्न को जांच करने का तरीका है कि हमारा जो लग्न है वो ठीक है कि नहीं। हम जो जिस कुंडली के आधार मान करके हम फलादेश कर रहे हैं वो फलादेश हमारा सही होगा तो उसके पहले हम परीक्षण कर लें कि हमारा लग्न जो है वो ठीक है कि नहीं, इसकी एक प्रविधि थी। यही कारण है कि इस प्रकार के जोगों की परिकल्पना आचार्यों ने की। यहां आचार्य क्या कहते हैं कि
कि किस प्रकार की ग्रह स्थिति होने पर जातक के भिन्न अर्थात जातक का जो पिता है वह उससे वह जातक नहीं उत्पन्न हुआ अपितु दूसरे से उत्पन्न हुआ है। इस ये लक्षण वस्तुतः चरित्र से इसका संपर्क है। ऐसी स्थिति को यहाँ आचार्य ने बताया है कि लग्न न लग्न मिंदुम चगुरुर निरीक्षते नवा ससंकम रविणा समागतम सपापकोर्कीण जुतोथवाससी परेण जातम प्रवदंती निश्चयात। अर्थात कैसी ग्रह स्थिति होगी, ऐसे में आचार्य ने बड़ा ही उत्तम ढंग से इसका वर्णन किया है। और ये महत्वपूर्ण योग है कि कैसी ग्रह स्थिति में परजात जन्म का योग होगा, अर्थात दूसरे से उत्पन्न होगा, अर्थात स्वयं के माता पिता से न उत्पन्न होकर के अन्य से उत्पन्न होगा। ऐसे ग्रह योग को परजात नाम से व्याख्यायित किया गया है। जैसा कि आप देखें लग्न क्या है, मेष लग्न है। मेष लग्न में द्वितीय में गुरु विद्यमान है और तृतीय भाव में चंद्रमा विद्यमान है, ये एक योग है। दूसरा योग आपके समक्ष दिख रहा है। तीसरा योग आप देखें गौ, इसमें यह मेष लग्न की कुंडली है। सूर्य चंद्रमा मंगल और शनि तीन ग्रह चारों ग्रह इसको देख रहे हैं। द्वितीय भाव में गुरु विद्यमान है और इस योग में उत्पन्न होने वाला परजात योग नाम से कहा जा सकता है, अर्थात वह स्वयं के पिता माता से उत्पन्न न होकर के कोई ना कोई ऐसी विकृति होती है जहां ऐसी स्थिति आती है। अब वह कौन सा योग जिस स्थिति में बच्चा के पैदा होने पर उसका पिता जेल में रहे, कारागार में रहे, ऐसा कौन ग्रह योग है? तो आचार्य बाराह मिहिर यहां पे कहते हैं, देखें आप कि क्रूरक्ष गता वसो भनौ सूर्याद द्यूनवात्म जिस्थितौ बद्धस्य पिता विदेश गह स्वेवा राशि बसाद अथोपथी। कहना है कई स्थिति रास्ते में रहता है अथवा विदेश में गया हुआ है। क्या यदि सूर्य से पंचम सप्तम नवम में क्रूर ग्रह हों और दो पाप ग्रह हों, यह तो जातक का पिता कारागार में अथवा किसी बंधन में रहता है। किसी स्थान पर बंधन होता है इसका भी अभिप्राय है कि जहाँ नौकरी कर रहा है वहाँ या विदेश में भी रह सकता है जो बंधन का कारक है और अपने संतान की उत्पत्ति के समय में वह विद्यमान नहीं रहता। ये आप इस उदाहरण को देखें, कर्क लग्न की कुंडली है, शनि द्वितीय भाव में है, मंगल चतुर्थ भाव में है, सूर्य दशम भाव में है। ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि इस जातक का जो पिता है वह बंधन युक्त है और कहाँ है, घर में नहीं है अपितु विदेश में है। इस प्रकार के फलों का ज्ञान हम आसानी से कर सकते हैं। आज मित्रों आज यहीं और कल मिलते हैं बाकी जो मातृत्यक पितृत्यक सदृश योग हैं उनको, उन पे चर्चा हम लोग अगले दिन करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।